The Daily Show with Muneer Memon. प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम तस्करा हो रहा है कि जिस अंदाज से सैलाब से होने वाली तबाहकारियां हुई, और ये तबाही महज सिंध के अंदरूनी इलाकों में नहीं, बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में नहीं, बल्कि शहरी इलाकों में भी नजर आ रही है। हैदराबाद की बात करें, कराची की बात करें, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी नाफैदी था, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट आज ही जब मैं प्रोग्राम पे आ रहा था तो चेयरमैन केपी की एक इवेंट में वहाँ पे मुलाकात हुई, और उन्होंने भी इस बात का बरमला इजहार किया कि इस वक्त भी जो सूरत हाल है कराची में रोड के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, ड्रेनेज सिस्टम्स के हवाले से वो बेहतर नहीं, वो बेहतर हो सकती थी, लेकिन क्यों ना हो सकी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीटीआई के फाउंडर रहनुमा जनाब अशरफ जब्बार कुरैशी साहब। जरा इनसे जानते हैं कि ये जो सूरत हाल है बारिशों के बाद, सैलाब के बाद, ये सूरत हाल क्या तब्दील हो सकेगी, रिवर्स हो सकेगी, और अगर होगी तो कितना अरसा इसमें दरकार होगा। अशरफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशरफ साहब ये जो सूरत हाल देख रहे हैं आप बारिशों के बाद, मैं पहले इंटीरियर सिंध की तरफ आता हूँ, फिर हम शहरी आबादी की तरफ आते हैं। सर ये कब तक ये रेस्क्यू का अमल हो सकेगा, बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है इस वक्त। देखिए ये पहले भी जो है ये सैलाब आया था 2010 में भी आया, और उससे पहले भी एक दफा आगे गुजरा है, और ये पूरा मुल्क और ये जो पूरी है जो यहाँ का सिंध खास तौर पे जो है वो कमीशन माफिया के उसके अंदर है, लिपेट में है सारी चीजों में। मतलब हर तबाही को और हर चीज को ये मौका समझते हैं, और इस मौके को समझने के नतीजे में ये हुआ कि आज सिंध के अंदर पूरे सिंध में तबाही है, चाहे वो शहर कराची हो, चाहे वो लाड़काना हो, चाहे वो पूरे सिंध का कोई भी हिस्सा हो, हर जगह तबाही और बर्बादी जो है मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब पिछले जो सैलाब आए थे उसके अंदर जो है जो फंड रिलीज हुए, जो इमदाद आई, जो चीजें आई, उस वक्त भी बहुत ज्यादा शिकवे शिकायत लोग थे और बहुत सारा मामला थे जो लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि कौन आएगा जो इनको ये बात समझाएगा कि ये पानी जब आएगा तो ये आपकी जमीनों को भी लेके जाएगा, आपके घरों को भी लेके जाएगा, और कराची में जब ये सब कुछ होगा या शहरी आबादी के अंदर ये कुछ होगा तो इस सड़क पे गाड़ी आपकी भी चलेगी, इस गदर के अंदर आप भी नुकसान के अंदर आएंगे। तो इनको क्यों नहीं समझ आती ये बात कि अपनी घर को जो है महफूज करना बहुत जरूरी होता है। आपको पता है कि जितने डैम बने सारे के सारे डैम टूट गए। मतलब नाकिस जो है कंस्ट्रक्शन का शाकार चीजें हैं। कमीशन माफिया ने कहीं का भी नहीं छोड़ा, इस आवाम को बेचारो मददगार छोड़ दिया है। अब वो जो आप इसको अगर आप कहें कि ये डिजास्टर हुआ तो गलत नहीं होगा, ये डिजास्टर है, लेकिन दो डिजास्टर हुए, एक अल्लाह की तरफ से ये कुदरती तबाही आई है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत थी उनको जब इस्तेमाल करने की बात आई तो उन्होंने यहाँ पैसे नहीं रखे और सारा पाकिस्तान से बाहर सारा पैसा ले गए, जिसके नतीजे में यहाँ तबाही और बर्बादी आई है। आशीष साहब एक सवाल का मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर बताइएगा कि आपने कहा ये पहले भी सैलाब आए, जलजिले भी हमने देखे, इससे पहले बहुत कुछ होता हुआ नजर आया। सर हर थोड़े अरसे बाद हम इस तरफ बढ़ जाते हैं कि हमें इमदाद दी जाए, हमें बैरूनी इमदाद चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि हम एक सस्टेनेबल सिस्टम बना सकें, कोई वार्निंग, कोई अलर्ट सिस्टम जहां पे लोगों को इवैक्यूएट करा जा सकता था, जहां पे शायद लोगों का माली नुकसान होता, जानी नुकसान ना होता। 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त इस तमाम तरसाने में शहीद हो चुके हैं और ये कम तादाद बताई जा रही है। इस वक्त भी हब नदी के ऊपर अक्सर लोग बहती हुई लाशें देख रहे हैं। सर ये बड़ा अलमी है हमारे माशरे का। देखिए मैं आपको ये बताऊं कि मेरी बात शायद किसी को बार बार जो है सबको पूरी कौम के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ कि बुरी लग रही हूँ मेरी बात शायद किसी को कुछ लोगों को, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कुदरती आफात सारी दुनिया में आती हैं और इंसानी जाने कम से कम जाती हैं, उसमें वजह ये होती है कि वो कंट्रोल करते हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने शहरियों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहाँ जो मसला है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जब एक दफा सैलाब आया सिर्फ इमदाद के लिए, आप सिर्फ इमदाद देना चाहते हैं और इमदाद देना चाहते हैं और उस इमदाद के अंदर जितने बड़े पैमाने पर फुटफुट होती है उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि डिजास्टर के नाम पे जो फंड रिलीज होते हैं उनका कोई ऑडिट नहीं होता कभी, और उसका नतीजा ये है कि इन्होंने इसको खेल तमाशा मचाया हुआ बनाया हुआ है। हर साल ये कहते हैं कि तूफान आ रहा है, हर साल ये कहते हैं सैलाब आ रहा है, हर साल ये कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर बारिश होने वाली है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा टल गई, लेकिन उसके नतीजे में जो इन्होंने फायदे उठाए और जो पैसे बनाए वो पैसे कहाँ गए उनका हिसाब नहीं हुआ, जिसके नतीजे में आज ये हाल हुआ है कि जिस डैम में पानी स्टोर करना था वो डैम भी इनकी कमीशन माफिया की नजर हुआ वो टूट गया,
उसके टूटने से ज्यादा नुकसान हुआ। बलोचिस्तान के अंदर 25 डैम जो है सुना है मैंने कि वो टूट गए हैं, तो वो मुझे बताएं कि एक तरबेला डैम वहां पे बना हुआ है या दूसरे कोई डैम ऐसे जमाने के बने हो जो अयूब के दौर में बने थे या किसी और दौर में बने थे। आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी हम जो है अपने आप को डुबो रहे हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं इसी वजह से कि मेरे घर में जो है ये पैसा चला जाए। और वो तो आपको पता है, मैं मुस्तकिल कह रहा हूँ कि ये पहले जो है 20% से शुरू हुआ, फिर 40% से शुरू हुआ, फिर 60% पे चला गया और अब तो सुना है 100% से कागजों में होता है सारा। तो ऐसे मुल्क के अंदर जाहिर बात है तबाहियां बार बार आएंगी, सैकड़ों हजारों लोगों की कैजुअलिटीज होंगी, लोग जख्मी होंगे और लोग हमारी माएं बहनें रोडों पर सड़कों पर बैठी हुई नजर आ रही है हमें पूरे रोडों के ऊपर। एक तबाही है, एक बर्बादी है जिसका जो है कोई परेशान हाल नहीं है। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, जो सामान लेके जा रहे हैं, वो सामान भी उन बेचारे गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा, वो भी रास्ते में लूट रहा है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी पुलिस लेने को तैयार नहीं है। वो अभी भी VIP ड्यूटी कर रही है, आप देख रहे होंगे मुस्तकिल के अभी आपको टीवी पे दिखा रहे होंगे कि वहां पे जो है फलां साहब को रोक लिया गया, फलां साहब को रोक लिया गया। वो क्या हो रहा है, सिक्योरिटी उनके ऊपर लगी हुई है जो सामान यहाँ से लेकर उन जगहों पे जो कच्चे के इलाके में जाना है, लारकाना पहुंचाना है, जो इंडिया की जहाँ तबाही ज्यादा हुई है उन जगहों पे पहुंचाना है, वो सबके सबको लुटमार हो रही है रास्ते में, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो मदद लेके जा रहे हैं वो भी सब जो है क्योंकि बद इंतजामी का हाल है। अशरफ साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपने बड़ा रेलेवेंट पॉइंट रेज किया कि जहांगीर साहब, अशरफ साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लोग फंड्स देना चाहते हैं लेकिन एतमाद नहीं, और अगर ट्रस्ट ना हो तो फिर मेरे ख्याल से फंड्स उस तरीके से पहुंचते नहीं, फिर लोग NGOs का या मुख्तलिफ इदारों का रुख करते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग मसला है, चैनलाइज नहीं हो सकते मामला, ये तो बात हकीकत कह रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल से तो कोई शुभ नहीं। उसके PTI के फाउंडर मेंबर हैं, उसकी बुनियादों में ये तो 24 साल इसके पहले से हवाले कर लें और फिर 30 साल जिन्होंने तबाही मचाई ना उनका भी हम यहाँ मिसाल रखेंगे, हम इनको सिंगल आउट नहीं कर रहे। यहाँ देखें कि 24 साल इन्होंने अपोजिशन की और जो है 3.5 साल इकतदार में भी रहे, इनका कौन सा नारा डैमों के लिए रहा, इन्होंने कौन सी कलेक्शन की, क्या जद्दोजहद की और किस बात पर ये ना जाएँ, ये जो नुआखानी हो रही है तबाही पे किसी से भी करवा लीजिए, यूं हुआ। भाई प्रैक्टिकली अभी भी मैराथन आप कर रहे हैं, अब मैराथन नहीं करें, जल्दी जाएं, इतने बड़े बड़े इनके टाइकोन किस्म के लोग हैं इनके यहाँ भी कि उनको वो, भाई अगर वो करोड़ों रुपए दे दें तो इस मैराथन की क्या जरूरत होगी, फिर वही इल्जाम आ जाएगा कि ये मैराथन इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आदत पड़ी हुई है कि पहले भी सिंध गवर्नमेंट को हमने देखा कि इमदाद मिलती रही, गोदामों में गई सड़ती रही, पहले भी टेंट्स मिले, पहले भी खेमे मिले, वो मिलते गए। मैं उनको बात कर रहा हूँ और इससे ज्यादा शिद्दत उनका ये पीरियड बहुत है, लेकिन मतलब ये मुखातिब है ना इस वक्त हमारे, ये हमें बात कर रहे हैं ना, इसमें जो है हमें क्या कुछ नजर आ रहा है। आप मुराद अली शाह को देख लें, उनके कपड़े देख लें, उनका स्टाइल देख लें, और जो जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, लोग चीख रहे हैं कि तुम इधर आओ, तुमने हमें शक्ल नहीं दिखाई। वो लोग कहते हैं कि मैं बम से उड़ा दूंगा, ऐसी बातें कर रहे हैं, तबाही और बर्बादी हो जाएगी, खाना जंगी हो जाएगी, इनको किसको परवाह है, सबसे बातें करवा लो, टेंट लगवा दो, एक मैराथन भी कर दी, बहुत सारी चीजें कर दी, अरे रिजल्ट कब आएगा, आज मर रहा है वो आदमी, आप जमा करेंगे, कलेक्शन करेंगे, वहां पहुंचाएंगे, आप निकल क्यों नहीं खड़े होते, घर क्यों नहीं छोड़ देते, यहां आप तकरीर कर रहे हैं तो जाके वहां क्यों नहीं वहां पाए जाते, कोई नहीं पाया जा रहा है, सब हेलीकॉप्टर की किसकी जरूरत है, इन लोगों की जरूरत है, ये मुराद अली शाह की जरूरत है, ये जो है हुकूमत की जो है वजीर आजम की जरूरत है, ये इनकी जरूरत है, एक एक अहम है, कोई भी वो कह रहे हैं कि हमारे पास चीजें नहीं है, वो नहीं है, हम रेस्क्यू कैसे करें, रेस्क्यू करें तो चीजें किसके पास नहीं है, इतने चार्टर तैयार है ये लोग आपस में थोड़ा जाने के लिए, और रेस्क्यू करने के लिए प्लान अपने से, अगर आपको कुछ जज्बा है अपने से बात करो, बातें मत बनाओ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अच्छा अशोक साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में ना इस वक्त इमदादी कामों में सरगर्मियों में हिस्सा ले रहा है, लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि इस वक्त होता हुआ क्या नजर आ रहा है, क्योंकि स्कैटर्ड वे में तमाम तरह काम हो रहे हैं, एक डायरेक्शन नहीं है इस किसी भी तंजीम के पास कि वो एक पॉइंट ऑफ एजेंडा हो जहां पे वो पहुंच रही हो, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो। सर इसको बेहतर करना होगा ना, चैनलाइज करना होगा। हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें भी अपना अपना कैंप बना रही हैं, वो अपनी कलेक्शन कर रही हैं, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। सर एक वन विंडो ऑपरेशन क्यों नहीं बना पा रहे हम, कि एक डिजास्टर की सिचुएशन है,
कम से कम इस मामले पे तो हम एक होके खड़े हो जाएं। देखिए आपको मैं ये बताऊं कि जो भी हिसाब है मैं नहीं जानता किसी को, मेरी आवाज पूरी तरह नहीं आ रही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जो बात है कि ये फील्ड में निकले और जान निकले बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं अपनी बात करूं या अपनी पार्टी की बात करूं, हम लोग सब फील्ड के अंदर हैं और मसला सिर्फ इतना ये हुआ गया है कि इस वक्त जो है हमारा जो हाल है तरीके साहब की पोजिशन हुई हुई है, आप अंदाजा करें कि सारे अकाउंट बंद है हमारे, हमारी सारी जो जॉब जो हम जो चैरिटी करते थे उसके तक के अकाउंट बंद है, एक एक बंदे के नाम पे एफआईए के नोटिस आ रहे हैं। तो उसके अंदर जो है यहाँ पे जो एक ये जो डिजास्टर हुआ और इसमें तबाही आई है, इसमें जो हम जिस तरह मदद कर सकते हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो रही है सबके, मतलब अलग अलग एनएच की सतह पे हो रही है, कैंप लगाए हैं, चीजें की हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात यह है वो इंसाफ को सोचनी चाहिए और इस बात पर बात करना चाहिए, मुझे नहीं मालूम कि कौन साहब है, लेकिन इनको ये बात समझनी चाहिए कि जब तक जाकर आप खुद भी अपनी सामान जमा करके लेके जाएंगे और रास्ते में अगर जो है पुलिस ने या इंतजामिया ने जो सूबाई गवर्नमेंट है उसने आपको अगर सिक्योरिटी नहीं दी और आपसे लूट गए, लोग लूट रहे हैं वहां पे रास्ते में, लूट मार हो रही है और वो एक माफिया घूम रही है वहां पे जिनका उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है, जो बेचारे जो है जो कच्चे के इलाकों में बैठे हुए हैं, जो रोडों पे नहीं आ सकते, जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो अपने इलाकों में महदूद हुए, उन तक इमदाद जाने से पहले लूट रही है, तो उसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है, कौन हुकूमत की जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी है? अगर हम इमदाद जमा करके ले आ रहे हैं लोग यहाँ से, और हाईवे कल भी हाईवे ट्रैफिक जो है सुपर हाईवे के ऊपर ट्रैफिक जाम था और मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने कहा आपकी मदद की आपके तहत चले जाए, अपनी जरूरत आपकी सिक्योरिटी खुद करके जाए, हमारी जरूरत हम नहीं कर सकेंगे आपकी, तो ऐसी सूरत के अंदर कौन मदद जो मदद करने के लिए निकल रहे हैं, सारे निकल रहे हैं लोग, सब चाहते हैं मदद करें और हर कोई अपनी सतह पर और अपने हस्ते हस्ते भर के करना चाहता है, क्योंकि वजह ये कि हमारे सारा मुल्क है, ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, कोई और बाहर से तो नहीं आए हुए, लेकिन उस माफिया को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तो हुकूमत की है, हुकूमत के पास रिसोर्सेज है। अच्छा अशर साहब जांच कर रहे हैं, उनकी एफआईआरें काटी जा रही है, आपको नहीं पता ये बात? अच्छा सर पॉइंट आ गया आपका, लेकिन मुझे एक बात बताया ना कि हम जब बात कर रहे हैं कि ये तबाही हुई, हमने देखा कि बल्दियाती इलेक्शंस का मुलतवी कर दिए गए, एक अलर्ट जारी हुआ जिसके तहत बल्दियाती इलेक्शंस रातों रात मुलतवी कर दिए गए, लेकिन सर क्या ये अलर्ट सिंध हुकूमत या जो दीगर हुकूमतें हैं ये तब जारी नहीं कर सकती थी जब ये तबाही होने का अंदेशा था, ताकि लोगों को वहां से निकाला जाता और वहां से रेस्क्यू का अमल पहले से तैयार किया जाता, एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाता, डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान तैयार किया जाता? देखिए जी ये झूठे लोग हैं और इन्होंने जो है कोर्ट को गुमराह किया कराची पर, खास तौर पे मैं भी कोर्ट में गया था और मैंने कहा वक्त पर इलेक्शन करवाएं, क्योंकि मेरी वजह इस बात की थी कि जब कराची के अंदर ये सैलाब आया, जब बारिश तूफानी बारिशें हुई कराची सुबह, तो इंतजामिया कहीं नजर नहीं आई, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह था, मैं कोर्ट में इसलिए गया कि मैंने कहा कि वक्त पर इलेक्शन करा दें ताकि अवामी नुमाइंदे वहां पर खड़े हों, कोई अख्तियार के साथ खड़े हों, ताकि उनको पता चले वो कुछ काम कर सके लोगों के लिए, उनके पास अख्तियार तो किसी के पास भी नहीं है ना। अभी आप देखें को एहतजाज कर रहे हैं ये बेचारे लोग, एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पर, उनके खिलाफ एफआईआरें काटी जा रही हैं, किसी को किसी तरीके से जो है ट्रेस किया जा रहा है, किसी को किसी तरीके से वो एंगेज किया जा रहा है, ये आम पब्लिक ने जिसने मुजाहरे किए अभी सिंध के अंदर आपने देखा उनके खिलाफ एफआईआरें काट दी है, तो ये तो दो मिनट लगाते हैं किसी की एफआईआरें काट के, इंतजामिया को इस तरह से हुकूमत को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि झूठी सच्ची जो चीज भी होती है एफआईआर काट देते हैं लोगों की। तो यहाँ पर जो हमने कहा कि हमने कहा कि जी आप मैनेजमेंट तो कर ही नहीं रहे, आपकी जब बारिश में डूबता है शहर तो आपको पूरे कहीं लोग नजर ही नहीं आते इंतजामिया के, हमने कहा इलेक्शन करा दें वक्तों पर, इन्होंने इलेक्शन का ये बहाना बनाया, सारी मशीनरी वहां लगी हुई है और आप देखें कि अगर सैलाब का इनको पहले से आइडिया था और सारे मामला थे तो इन्होंने क्यों नहीं ऐसा काम किया जिसकी वजह से जो है लोगों की जानें बच सकती, लोगों की जमीनें बच सकती, लोगों के माल मवेशी बच सकते हैं। 8 लाख से ज्यादा केपीके में जो हुआ है वो दूसरी चीज हुई है केपीके के अंदर, जो हुई केपीके के अंदर जो है वो जो है क्या कहते हैं ग्लेशियर जो है वो ब्रेक हुआ है, उस ग्लेशियर ब्रेक होने से वहां पर जो ये तबाही आई है जिसका जो है अंदेशा नहीं था, जिसका तरह से तवक्का नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सैलाब के अंदर जो है वहाँ पे लोग बहुत कम लोग जो है तो अशरफ साहब आप बताए ना कि क्या वे आउट क्या निकलता है, क्योंकि आप जब जुलाई की बात करें जब ये इलेक्शंस एक्चुअली हो जाने चाहिए थे तब और आज के कराची में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है, तब तो शायद कराची में 4-6 सड़कें बनी हुई नजर आती थी, आज तो सड़क के नाम पे कुछ और ही नजर आता है सर, कराची की सड़कें इस वक्त मरीख का मंजर पेश कर रही हैं, तो अब बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं अगर वो भी एक बड़ा टाइम दरकार होगा मेरे ख्याल से इसको रिपेयर करने में, इसको ठीक करने में, जब तक आवाम जो है इस बात को नहीं समझेंगे कि वो आवाम जो है ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं अपनी जगह के, अपने सिस्टम के, चीजों के, और जो मशीनरी होती है वो उनकी जो है वो महकूम उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए थी ना, तो उनको जो है कहते हैं कि जो है वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार होती, लेकिन जब आवाम ये समझेंगे नहीं, उनको समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक कमीशन माफिया है जो इनके ऊपर मुसलत हुई हुई है, इससे निजात का छुटकारा का आसान तरीका इलेक्शन का तरीका होता है,
احتجاج کا طریقہ بھی ہوتا ہے اور الیکشن کا طریقہ بھی ہوتا ہے سر احتجاج تو کر لیا نا آپ نے بھی کر لیا جماعت اسلامی نے بھی کر لیا دیگر تمام سیاسی جماعتوں نے کر لیا احتجاج سے تو کوئی راستہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ابھی تک میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ابھی جو ہے ہم اسی لیے تو کہہ رہے تھے کہ وقت پہ الیکشن کرائیں گے لیکن الیکشن سے بھی بھاگ گئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک جو کراچی جو ہے خاص طور پہ اس وقت حیدرآباد یہ شہری علاقے جتنے بھی ہیں ان پہ سڑکوں کے نام پہ لوٹ مار ان پہ سیوریج کے نام پہ لوٹ مار ان پہ پانی کے نام پہ لوٹ مار اب تو کہہ کے تک گئے کہ پانی جو ہے نالوں میں نہیں آتا اور جو ہے ٹینکروں میں آتا ہے سیوریج جو ہے کا پورا سسٹم الٹا ہے اور سیوریج کی ساری لائنیں یہ کتنی دفعہ دل ڈال چکے ہیں اگر اس کا اگر اس کو اگر کورٹ اگر ہائی کورٹ سے میں کہتا ہوں کہ سو موٹو لے لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بلین آف روپیز جو ہے صرف سیوریج کے نام پہ لگا دیے گئے ہیں کتنے بلین آف روپیز جو ہے پانی کے نام پہ لگا دیے گئے ہیں کتنے بلین آف روپیز سڑکوں کے نام پہ لگا دیے گئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے بس ہر کوئی اپنا مال بنا رہا ہے اور پاکستان سے باہر بھیج رہا ہے اور کینیڈا میں جا کے رہائش اختیار کر رہا ہے سارے افسران جو ہیں کے ڈی اے کے این سی کے 90% جو افسران تھے وہ کینیڈا کے شہر دے چکے ہیں پاکستان سے باہر جا چکے ہیں تو جواب صاحب یہ اشرف صاحب یہ سمجھا جائے کہ اب شاید بلدیاتی الیکشن ہونے ہی نہیں ہے جو مزید ایک ڈیلے آ گیا اب یہ ایک لمبا پروسیس ہو گیا ایک طویل انتظار ہے اس میں کورٹ کو فکر کرنی پڑے گی کیونکہ کورٹ کے سامنے انہوں نے آ کے یہ کہا ہے اور دو دفعہ یہ کہہ چکے ہیں پہلے کہا وقت پہ الیکشن کرائیں گے پھر انہوں نے جو بارشوں کا ٹائم دیا آپ کے سامنے جھوٹا جو ہے بیانیہ تھا ان کا کہ چار دن بارش ہوگی اور چار دن میں کوئی وزید بارش کی چار دن انہوں نے اسکول بند کر دیے پریشرائز کرنے کے لیے کہ پہلے کراچی میں بارش ہوگی اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے بعد میں انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فورس ہی نہیں ہے وہ وہاں پہ لگی ہوئی اور جو فورس جس کا بتا رہے تھے وہاں لگی ہوئی وہ کہیں پورے سندھ میں کہیں نظر نہیں آ رہی اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو مجھے بھی دکھا دیجیے گا سوائے فوج کے جو فوج کام کرتی ہے پورے پاکستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر اور جس طرح سے وہ مدد کرتے ہیں فوجی جا کر اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا کوئی انتظامی جو ہے انتظامیہ نظر نہیں آتی سوائے تصویریں بنانے کے اور سوشل میڈیا اور اب تو سوشل میڈیا ہو گیا ہے واٹس ایپ کرنے کے اس کے علاوہ کوئی چیز کا معاملہ چل نہیں رہا ہے صرف فوج ہے جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہی ہے جو فوج ہے جو مدد کر رہی ہے تو میں کیا سمجھوں اشرف صاحب یہ بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوں گے کراچی کی سڑکیں ایسی ٹوٹی پھوٹی تباہی کا منظر پیش کرتی رہیں گی اور کراچی کا مطلب پورے پاکستان کی معیشت ہے سر ٹریڈ ہے یہاں پہ ٹریڈ باڈیز ہیں یہاں پہ ایک یہاں پہ پورٹس ہیں سر یہاں پہ یہ سڑکیں نہیں چل سکتی آپ جعلی دو نمبر لیڈرشپ سے نجات حاصل کریں جو تین تین دفعہ یہاں پہ رہ گئے جنہوں نے کہا 50 سال پلاننگ کا 50 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں وہ چاہے کوئی بھی جماعت ہو بڑا برا مان جاتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ آپ تین دفعہ اقتدار میں رہے تو اس کا حساب دیں دوسری سر پر وہ جماعتیں آپ کے ساتھ آپ کی اتحادی بھی رہی ہیں سر جن جماعتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہہ رہا ہوں دونوں میں منع کب کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں جب کہہ رہا ہوں سر آپ کی جماعت کے آج بھی بیشتر لوگ ان کو اتحادی بنانے کے لیے پھر بھی تیار ہیں کے اندر بہت سی این سی کے اندر کراچی کے اندر آپ کسی کے ساتھ کبھی بھی حکومت میں آنے کے ہماری پوزیشن ہی نہیں طریقے سے کہ کبھی بھی ہم حکومت میں ہیں بلدیات کے اندر اور یہ سارے مسائل جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بلدیات سے ریلیٹڈ ہیں اور سندھ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ہم دونوں جگہ پہ کبھی بھی نہیں آئے تحریک انصاف جو لوگ ہمارے متعلق بات کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے تحریک انصاف کبھی بھی نہیں رہی سر لیکن آپ کے سیاست جو رہی ہے آپ کے ماضی میں جو ساتھی رہے رہا ایم کیو ایم کرا اور پیپلز پارٹی آخر میں ابھی تک موجود ہے یہاں پر سر ایم کیو ایم کی بات کر لیتا ہوں آپ کے سیاسی اتحادی رہے ہیں اور آج بھی آپ کی طرف سے دیری نہ خواہش ہے کہ اگر متحدہ قومیں حکومت کو چھوڑ کے آپ کی طرف آ جائے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں نہیں ہم آپ غلط کہہ رہے ہیں ہماری طرف ہماری کوئی خواہش نہیں ان کے ساتھ ملنے کی ان 90 لوگوں کے ساتھ اور دوسری بات یہ ہے میں بار بار آپ کو ایک بات کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ بلدیات میں ہمارے ساتھ کبھی نہیں رہے اتحادی یہ جب بلدیات یہ میئر کراچی تھے تو یہ میئر کراچی یہ ہمارے اتحادی نہیں تھے یہ ہم ایم این اے اور ایم پی اے ایم این اے ایم این اے کی سطح پہ یہ ہمارے اتحادی بنے رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ میں بھی اپوزیشن میں ہمارے ساتھ اگر ہم اپوزیشن میں تو یہ اپوزیشن کا کس طرح بن کے بیٹھے ہوتے تھے ہمارے اتحادی کے طور پہ نہیں بیٹھے ہوتے تھے تو یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا بلدیات کی بات کرتے ہیں بلدیات براہ راست جماعت اسلامی کے پاس تھی ایم کیو ایم کے پاس تھی اور پیپلز پارٹی کے پاس تھی آپ کے خیال میں جماعت نے یا متحدہ قومیت نے گزشتہ 20 سے 25 سالوں میں جو پرفارمنس دیے وہ مطمئن ہے یا تسلی بخش نظر آئی آپ کو یہ پورے عوام کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ لوگوں نے 50 سال کے منصوبے بنائے تھے اور شہر کی آبادی کو مد نظر رکھا تھا تو آج یہ تباہی بربادی کیوں ہوئی ہے مجھے بتا دیں کہ ایوب خان کے دور کے سڑکوں کی مثال دیں گے انگریز کے زمانے کی عمارتوں کی مثال دیں گے آپ اور اس کے بعد یہاں کی جو بات کریں گے ان لوگوں نے کون سی مثال قائم کی جن کی وجہ سے جو ہے یہاں موجود انہوں نے جو برج بنایا انڈر پاسز بنائے تھے ان انڈر پاسز کے اندر جو ہے آپ کو پتا ہے برسات کے موسم میں کیا حال ہوتا ہے آج چلے جائیں موت کے گڑے بنے ہوئے ہیں یہ جو انڈر پاسز بنے ہوئے ہیں اور یہ دونوں بڑے تبلا بجاتے ہیں اس کی تصویریں کیوں نہیں لاتے لے کر آتے کہ اس کے اندر جو انہوں نے جو خدا نہ خاصا اجتماعی قبریں بنا دی ہیں یہ پوری جو انہوں نے بنائی ہے اس کو پیسوں کا لوگوں کا پیسوں کا اربوں خربوں روپے کا پیسہ انہوں نے ضائع کر دیا ہے کون سے فلائی اوور کے نیچے مجھے بتا دیں کہ جو ٹریفک جام نہیں ہوتا کون سے لالو کے 10 نمبر چلے جائیں ٹریفک جام ہے جہاں لیاقت آباد چلے جائیں ٹریفک جام ہے ہر جگہ نیچے ٹریفک جام ہے فلائی اوور کی مینجمنٹ کس نے کی تھی یہ ٹریفک مینجمنٹ کس کا کام تھا جنہوں نے کیے مل کے اگر سندھ گورنمنٹ نے اور بلدیات نے مل کے کی تھی تو
कुछ नहीं किया गया, बहुत ही सब कुछ बेवकूफ बनाया गया। अगर अगले 40 दिन में आप इस सवाल का जवाब दे दें, अगर अगले 40 दिनों में जो डेडलाइन दी गई थी 45 दिन की, अब मजीद 35-40 दिन में अगर ये इंतखाबात ना करवाए गए तो क्या लायामल होगा, क्योंकि फिर तो ये मजीद एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहे हैं और फिर एक तरफ से बातें आती हैं जनरल इलेक्शंस की, इंतखाबात की, फ्रेश मैंडेट की, तो सर ये तो फिर मेरे ख्याल से एक अगेन टैक्टिक्स होंगी शायद डिलेइंग। अवाम को जो है, क्योंकि अवाम इस वक्त जो है बहुत परेशानी के आलम में है और रास्ता जो है और जिस तरह तबाही और बर्बादी का रास्ता है और जिस तरीके से जो जा रहा है ये मामला और जिस तरह से इंपोर्टेड गवर्नमेंट जिस तरह से इसको टीवी पे बैठ के घुमा रही है, कभी कहती है कि ये वाली वीडियो लीक हो गई, कभी कहती है ये वाली वीडियो लीक हो गई, कभी ये कहते थे कि जो है वो IMF जो है IMF के पास जाने को खुशी करते थे, कर लेंगे तो फला कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये नारे लगाते थे और अब खुद बोलते हैं कि IMF के पास जाने में दूसरे लोगों से हमें फाइनेंस मिलेगा। $1 बिलियन के लिए इन्होंने सब कुछ गिरवी रख दिया है। आपको पता है बिजली के बिलों ने क्या सत्यानाश मारा है। आज भी मेरे ऑफिस का बिल इन्होंने 8 लाख रुपए का भेजा है एक महीने का, और मेरे घर का बिल इन्होंने भेजा है 3 लाख रुपए का, और जब वो गया है वहां पे बात करके, भाई आपने बिल भेजा है तो इसकी कम से कम इंस्टॉलमेंट कर सकते, तो 200-300 लोग वहां पे खड़े हुए हैं, तो वो फरमाते ये है कि ये करंट बिल है। आप समझते हैं कि 2 नंबर करंट बिल बनाकर भेज कर उस पर टैक्सेस लगाकर जो पैसे ये वसूल करना चाहते हैं वहां से, उसका वो पैसा लाएगी कहां से, लोग कहां से लेकर आएंगे, अपना पेट काट के लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे। सही है, ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग है। अब तो मैंने सुना है कि उसमें 5,000 रुपए कचरे की भी शायद उन्होंने शामिल करने शुरू कर देंगे अगले बिलों में। PDV के बाद बिजली को उन्होंने हथियार बना लिया है, लायक को हथियार बना लिया है, कानून साजी ऐसी की है जिसके अंदर लोगों को बेचारों को FIR काट के बंद कर लेते हैं उसके ऊपर, और आवाम जो है ये सारे के सारे ये उसके अंदर हिस्सेदार थे, NGO में हिस्सेदार थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी हिस्सेदार थी, इन लोगों ने सबने मिलकर वो जो है ये सारी रिकवरी का जो सेटअप बनाया था इनका, के इलेक्ट्रिक का, के इलेक्ट्रिक ने, तो भाई मचा दी है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर वापदा का भी बिलों की पोजीशन आ रही है और इनके के इलेक्ट्रिक की भी पोजीशन आ रही है। मैंने अपना बता रहा हूँ, किसी और का नहीं बता रहा। जी जी, मेरे अपने घर का बिल 3 लाख का भेजा इन्होंने, 2,95,000 का, 7,900 कुछ यूनिट का बिल भेजा शायद के इलेक्ट्रिक ने। जी आपका बिल तो गालिबन एडजस्ट कर दिया होगा के इलेक्ट्रिक ने, एडजस्ट कर दिया होगा ना सर, वापस रिवर्स कर लिया होगा। करंट बिल की इंस्टॉलमेंट नहीं होती, मैं आपको यही बता रहा हूँ जी सर, ये जो है लायबिलिटी ड्यूज डाल के लोगों पे डाल के 30,000 रुपए जो इन्होंने ओवर उसके लगाए हुए लेट पेमेंट सरचार्ज जो लगाए हुआ है वो जो है वो रिसीव करेंगे, उसके बाद बिल सही करने की कोशिश करेंगे जो गलत है। अगर अगले महीने आप गलत बिल को एडजस्टमेंट भी करेंगे, आप मुझे बताएं कि कंटीन्यूटी के अंदर एक आपके घर का बिल जो है 2,000 यूनिट का आ रहा हो, वो अचानक 8,000 यूनिट का आ जाए जी, तो आप क्या करेंगे उसको, क्या कहेंगे सर? यकीन करें सबके घरों का सूरत हाल, और ये शायद कराची में रहने वाला कोई भी शख्स इस चीज से मुस्तस्ना नहीं है। इसीलिए आपके टीवी चैनल के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि ये इस वक्त शहर जो है और मुल्क जो है बदतरीन शिकार हो गया है, और ये खुदा ना खासा अगर ये भूख का शिकार हो गया, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो है जो भूखे लोग रोडों पे निकलेंगे तो इनके महल महफूज नहीं रहेंगे, ये मैं बता दूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, प्रोग्राम में वक्त मेरे पास बहुत महदूद है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जहांगीर साहब से जो कुछ गुफ्तगू की गई अशरफ साहब की जानिब से उसके ऊपर एक फाइनल कमेंट लेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे जनाब अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेयर कैंडिडेट भी हैं, और यकीन तौर पे मेयर के इलेक्शंस को तभी हो सकते हैं जब बल्दियाती इंतखाबात का मरहला आगे की तरफ बढ़ेगा, जो कि फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जहांगीर साहब आपने गुफ्तगू सुनी जब्बार साहब के, वो जो कुछ फरमा रहे हैं, वो जो कुछ कह रहे हैं, एक तरफ से आवामी गुफ्तगू भी है लेकिन एक तरफ से एक जिम्मेदारी भी है जिससे वो मुस्तस्ना नहीं हो सकते, जिससे वो फरार नहीं हो सकते, आपको क्या लगता है? लेकिन मेरा जो गम है, जब मेरा गुस्सा है वो PTI के साथ थोड़ी है, मेरा तो गुस्सा ये है कि देखिए तबाही हो रही है, रूम जल रहा है समझे ना, और वो जो है वहाँ बंसियाँ बज रही हैं, यही वाली हो रही ना।
अभी सबसे ज़्यादा जिस कुव्वत गोयाई से काम लिया, जो दलायल दिए, सब कुछ दिए, वो क्या था, इलेक्शन में जीतना हारना, ये वो मसाइल, सियासी जलसे वाली तकरीर कर रहे, इनकी नहीं महदूद कर रहा हूँ, वरना ये फिर पूछेंगे ये साहब कौन है, शायद उनको पसंद आए ना आए, लेकिन ये हकीकत है। आप पीपल्स पार्टी के फोन बिना समझ पाए हो, अंदाजा ना हुआ ये साहब। चले, मुझे कोई एतराज भी नहीं है, मैं किसी तारुफ की जरूरत भी नहीं है। माशाल्लाह सर, आप हमारे लिए उस्ताद हैं, आप किस बात के एतराज? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तकलीफ हो, जब जो है कहीं जख्म लगा हुआ हो, तो उसके मरहम की बात करें, उसका इंतजाम करें। आपने सारे वो भी अपने अकाउंट्स की बात आप कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट्स की जद्दोजहद भी करेंगे, आप कोर्ट। लेकिन जाके से मेरा आपसे एक सवाल है जी, बताइए। जब सियासी जमातों पे कोई मुश्किल आती है तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाती है, मुल्क पे एक बड़ी मुश्किल आएगी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का नारा किसी ने नहीं लगाया यार, अलग कोई देखा सीट तो आपको हैरानी हुई इस बात? हाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ा आप देख रहे हो चीजों को। आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान भागे हो खान साहब के पीछे और जरदारी साहब के पीछे, कि चलो एक नेशनल अलायंस कर लें 15 दिन के लिए, एक दूसरे के साथ रूठना मनाना छोड़ के एक तरफ होके हम चलें, मुल्क को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल दें। आपने देखी कोई ऐसा चेहरा? में लोग हैं ना, ये जो 11 पार्टियों के 11 लीडर हैं, अब ये पूछेंगे ये साहब कौन है भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई, इनका तारुफ कराओ भाई, ये वाली आप उनके बारे में भी सर आप कहना मैं अवाम हूँ। नहीं जी, वो खुद की तो कह सकते हैं, इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो अवामी होंगे, तो लेकिन मैं आप जो... तो कह सकते हैं आप अवाम, सर आप अवाम की बात करते हैं सर, मैं आम आदमी हूँ, अवाम तो सब मिलके ही होंगे शायद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस तरफ आप ये देखें कि संगासन जो है वो इख्तदार का एक गोल है सबका, उस तरफ देख रहे हैं, उनकी तकरीरें, उनके मफादात वो भी आपको नज़र नहीं आते हैं, वो भी तस्वीरें खिंचा रहे हैं, इनके भी मसाइल की मबाहिस जो हैं वो यही है कि हम कैसे जाएं, हमारे अकाउंट बंद हो गए, अकाउंट बंद हो गए तो ज़िंदगी तुम्हारी कहीं रवा दवा थोड़ी तो होगी, कहीं तो नज़र आ रहा है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम में 2 मिनट रह गए हैं, ये इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये कलेक्टिव एफर्ट है। देखिए, इस वक्त उठाया, इस वक्त हुकूमत, एक बात मेरी सुन लें आप, आपने कहा था कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए भाई, एक एक इख्तदार नजर आ रहा है, 11 उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वो कुल जमाती जब, ये सर, अलग है सर। नहीं, मुझे आप ये बताएं, ये जो 12 जमातें इकट्ठे भी हैं, कैन 12 जमातों का इत्तेहाद ने भी एक बार एक कॉन्फ्रेंस की, देखे वजीर आजम मुनाफिकाना इत्तेहाद है, ये सुन ले कि अभी पीपल्स पार्टी, अभी ये जो जिमनी इंतखाब हुआ ना, उन्होंने एमक्यूएम को दे दी, क्योंकि एक पॉलिसी थी कि जो दूसरे नंबर पे सन 2018 में आया उसको वो उम्मीदवार खड़ा किया था, दे दी, फजलुर रहमान ने भी दे दी, एएनपी ने भी दे दी, पीपल्स पार्टी ने भी दे दी, अबे हिमायत भी दी, और वो ये तो मुत्तहिद थे, ये तो 11 इनके जो है एक दूसरे की आंखें नहीं मिल रही हैं, तो क्या होगा, ये इसीलिए तो जीते ना, वो ये जीते ना, है एक चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क पे कितनी बड़ी आफत कुछ भी आ जाए, इनको एक अपनी अपनी सियासत बाकी रहनी चाहिए, फिर यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अपनी सियासत बाकी, जान साहब माजत के साथ वक्त मेरे पास मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अपनी सियासत बिल्कुल बाकी रहनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब अपना वजीर आजम खड़ा करना हो, या अपने वजीर आजम का दफा करना हो, या अपने वजीर आजम की लिए हिमायत करनी हो, तो तमाम तर जमातें दिन रात एक करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करती हैं। कभी अपना वजीर आला लाना हो तो कोई किसी के पैरों में बैठा घंटों नजर आता है, कोई किसी के कंधे दबाता है, कोई किसी के पैर दबाता है, लेकिन अवाम डूब रही है, अवाम तड़प रही है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता जो अवाम के दुखों का मदावा करने के लिए, अवाम को इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने के लिए कोई अमली काम उठाता, कोई नहीं आया। अवाम याद रखेगी, और अवाम को याद रखना होगा कि ये जो चेहरे आपकी बेबसी के साथ तस्वीरें खिंचाते, आलमी मीडिया को भेजते हैं, ये वो चेहरे जो कि आपके नाम पे करोड़ों अरबों रुपए की इमदाद लेके गोदामों में सड़ा देते हैं, वही चेहरे हैं जो कल आपके पास फिर वोट मांगने आएंगे और फिर कहेंगे हम तो आप में से हैं, आप इनके साथ क्या करेंगे, हम तो खुद क्या ना करेंगे, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान में रहने वाले तमाम तर लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और खास तौर पे मैं एक बार फिर से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अपने तमाम उन पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए, उनसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि
हम कुछ ना कर सके, हम शर्मिंदा हैं, हम आज भी क्रिकेट मैचों में फंसे हुए हैं, हम आज भी शहबाज गिल इमरान खान में फंसे हुए हैं, हम आज भी अपने वजीर आजम अपने वजीर आला में फंसे हुए हैं। मजीद कुछ कहना मुश्किल ही होगा। अपने मेजबान मुनीर मेम को इजाजत दीजिए। जहांगीर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।